वाले का शुक्रिया अदा करता हूँ और उसके बाद फिर अपनी लीडरशिप का, फारूक साहब का, उमर साहब का, जिन्होंने हम पे भरोसा जताया और हमें इलेक्शन लड़ने का मौका दिया, और उसके बाद अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी मानिहाल भूल के आवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमें सपोर्ट दिया, प्यार दिया, और ज़िला रामबन की आवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने ज़िला रामबन की दोनों सीटें हमें भारी अक्सरियत से हमें उसमें कामयाबी दी, और जम्मू कश्मीर की आवाम का भी शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने 96 के बाद सबसे बड़ा बहुमत जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिया है, और जम्मू में भी खिते चनाब में फिर पंचाल में नेशनल कॉन्फ्रेंस को जीता है, और जम्मू में हम बड़े नॉमिनल मार्जिन से आ रहे हैं, और कश्मीर में तो बहुत अच्छा रिजल्ट आया, उसके लिए जम्मू कश्मीर का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। सर कांग्रेसी बानीहाल की अगर बात करें तो दूर दराज इलाकों पर मुश्तमिल कॉन्स्टिट्यूंसी है, और पीआरटी की मुद्दत वो रहेगी क्योंकि 10 साल के बाद जो है सरकार बनेगी। देखिए सबसे पहली जो हमारी जो प्रायोरिटी रहेगी वो ये कि एक तो लोगों का जो एक्सेस खत्म हो गया था एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, हम उस गैप को ब्रिज करें। लोगों की सुनवाई नहीं थी, लोगों के पास रसाई नहीं थी हुकूमत तक पहुंचने की, अब चूँकि लोगों की हुकूमत बन गई है और अब लोगों को वो सहूलियात, वो एक्सेस, वो अप्रोच दस्तयाब रहेगी जिससे वो हुकूमत तक अपनी बात पहुंचा के अपने मसले हल करा सकें, और उसके साथ साथ बेसिक फैसिलिटीज़ जो हैं हमारे न सिर्फ बनिहाल हल्का इंतखाब बल्कि भूल ज़िला रामबन और बाकी खिते चनाब की बाकी जो इलाके हैं वहाँ पे बुनियादी सहूलियात की कुछ हद तक कमी है जिनमें पानी, बिजली, सड़क, स्कूल, ज्यादा साहब मिनिस्ट्री की अटकलें जो हैं वो लगाई जा रही हैं, और उनके साथ साथ जो उस पर हमको काम करने की ज़रूरत है, और सबसे बड़ा जो मामला है वो अनएम्प्लॉयमेंट का है, नौजवान बेरोज़गार है, नाउमीद हो चुके हैं नौजवान, हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम उनकी उस नाउमीदी को ख़त्म करें और उनके रोज़गार पे हम काम करें, और उसके साथ साथ बाकी जो हमने मैनिफेस्टो के अंदर इलेक्शन से पहले जो कमिटमेंट की है, जो वादे किए हैं उनको हम निभाएंगे, और इंशाल्लाह ताला वो काम शुरू हो चुका है। सजाद साहब, मिनिस्ट्री की अटकलें लगाई जा रही है कि चनाब खिते को इस बार फिर से जो है वो नज़रअंदाज किया जा रहा है, लेकिन उमर अब्दुल्ला साहब ने खुद भी ये कहा था कि किसी भी खिते को जो है वो नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा, लेकिन चनाब खिते को इस बार फिर से उस तरह से जो निराश किया जा रहा है। नहीं, कोई इग्नोर नहीं किया जा रहा, अभी आपने देखा कि पहले मरहले में 5 मिनिस्टर्स बने हैं और अभी दूसरा मरहला आना, उसके बाद स्टेटहुड रिस्टोर होना है, अभी आपको पता है कि हमारे पास जो मिनिस्टर बनाने की जो यूटी के अंदर जो एक स्पेसिफिक नंबर है और उस नंबर के आगे हम जा नहीं सकते, और लेकिन आप ये देख रहे हो कि जिस तरह से जम्मू में बीजेपी का हमेशा से ये रहा था कि रीजनल डिस्पैरिटी, जम्मू को कुछ नहीं मिल रहा, हम उमर अब्दुल्ला साहब को अपनी पार्टी की क़यादत को मुबारकबाद पेश करते हैं जिन्होंने सुरेंद्र चौधरी साहब की शक्ल में जम्मू को एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर दिया, और ये इस बात की अक्कासी करता है, और सतीश शर्मा जी को कैबिनेट मिनिस्टर बनाया, ये इस बात की अक्कासी करता है कि हमारी हुकूमत और ख़ासतौर पर हमारे वज़ीर आला जो है वो इक्वल डेवलपमेंट, इक्वल रिप्रेजेंटेशन और सबको एक ही तराजू में देख। क्या खिते चनाब के लोग उम्मीद कर सकते हैं कि उनको इस बार जो है मिनिस्टर मिल सकता है? इंशाल्लाह क्यों नहीं, उम्मीद तो रखनी चाहिए, आने वाले 370 हम वापस लाएंगे। आज वही रौनक वैसी देखने को मिली जब उमर साहब जम्मू पहुंचे 2021 से पहले जो रौनक इस रोड पे होती थी रेजिडेंसी रोड पे, क्या कहेंगे क्या पहली कैबिनेट में ये दरबार में वाला? अभी बहुत सी रौनकों का आगाज हो गया है और इंशाल्लाह ताला आप देखोगे 5 साल के अरसे में बहुत सारी खुशियां देखने को मिलेंगी जम्मू न सिर्फ जम्मू के आवाम को बल्कि खिते चनाब, पीर पंचाल, भूल गुलाबगढ़ और उधमपुर, कठुआ, बनी, बसोली और कश्मीर पूरे प्रोविंस में आवाम के जो तरजीहात के जो काम हैं, जो उनके इश्यूज हैं, उनको एड्रेस किया जाएगा और लोगों को खुशियों के सिवा इंशाल्लाह ताला और कुछ नसीब नहीं हुआ, सिर्फ खुशियाँ नसीब होंगी। दुख परेशानी का दौर ख़त्म हो गया, एक नए एरा का आगाज़ है जिसमें होप है, जिसमें एक रिजॉल्व है, जिसमें एक अहद है, जिसमें एक विल है कि लोगों के काम किए जाएं, और हमारी प्रायोरिटी जो है वो आवाम है, हुकूमत हमारी प्रायोरिटी है।